हेलो एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर वाला जो होता है होम थिएटर ट्रांसफार्मर वाला है, जैसे 12.0.12 का ट्रांसफार्मर उसमें लगा हुआ है या 24.0.24 का लगा हुआ है, तो उसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से कैसे चलाएंगे। ठीक, अच्छा, हम 24.0.24 को नहीं चला सकते हैं, लेकिन हाँ 12.0.12 को हम 12 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं उसका वायरिंग डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। प्रीवियसली एक मैंने वीडियो बनाई थी, शायद एक साल उसको हो गया होगा, इससे ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तब से मैंने उसके बारे में कोई वीडियो नहीं डाली है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसका बताओ 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 कैसे किया कैसे बनाया, वायरिंग समझ में नहीं आ रही है और कई चीज़ें थी। हालांकि दो वीडियो मैंने उसकी बनाई थी, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया था, लेकिन एक वीडियो और बना दे रहा हूँ आज, जिससे आप लोगों को पता चल जाए एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक होम थिएटर है जिसमें हमारे 3 पॉइंट होते हैं पावर सप्लाई के। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव और एक ज़ीरो। ठीक, ट्रांसफार्मर को जो लगता है, ठीक, पॉजिटिव हो गया, एक जीरो प्लस 12 हो जाता है, एक माइनस 12 हो जाता है, एक जीरो हो जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, मान लीजिए ये हमारी बैटरी है, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस। ठीक, तो यहाँ से हमें जो दो वायर लेके आने हैं और यहाँ से जो दो एक वायर लेके आना है, सॉरी, बैटरी से प्लस का वायर और माइनस का वायर लेना है। ठीक है, अब बीच में हमको लगाना है कैपेसिटर। हम दो कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं और दो कैपेसिटर का ही हमको यूज़ करना है। अगर आपको पावर अच्छी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे पैरेलल, सॉरी, सीरीज में दो कैपेसिटर और लगा लीजिए। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ इसका प्लस हो गया कैपेसिटर का, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ठीक, अच्छा, इन दोनों को हमें जोड़ देना है, ये हमारा जुड़ गया। ठीक, अच्छा, अभी जो बैटरी से आ रहा है, अभी जो बैटरी से प्लस आ रहा है वो हमें डायरेक्ट इस पर प्लस पर देता है। ठीक, और बैटरी का जो माइनस आ रहा है वो इस माइनस पर दे देना है। ठीक है, अच्छा, और जो यहाँ से जो प्लस निकलेगा वो हमको इस प्लस से जोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा प्लस 12। ठीक, जो बैटरी से आया, अच्छा, और ये जो माइनस है ये इस माइनस पे जोड़ देना, ये हो गया माइनस 12 वोल्ट। ठीक, ये होम थिएटर साइड था, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे। ट्रांसफार्मर में जो होम थिएटर बोर्ड जो होता है वहाँ पे ऐसे कनेक्शन होते हैं, 3 पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है ना, तो एक 12 तीनों पॉइंट्स में प्लस वाले पे 12 वोल्ट, बीच वाला जीरो और दूसरा वाला माइनस। ठीक, तो इस पे मैंने प्लस का प्लस पे उठा के डाल दिया और माइनस का माइनस पे उठा के डाल दिया। ठीक, अब बचा ही जीरो, अब इसका क्या, तो इस जीरो को इस कैपेसिटर के जो दोनों के लूप था, एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस मिल रहा था, इसका माइनस इसका प्लस मिल रहा था, वहाँ पे हमको दे देना है। अच्छा, अब एक कैपेसिटर की वैल्यू क्या होने वाली है, तो कैपेसिटर की वैल्यू आपकी होने वाली है 25 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे यूएफ जो होता है कैपेसिटर का, वो आपको ज़्यादा रखना है, मतलब होम थिएटर में पहले से ही 2200 यूएफ के लगे होते हैं, लेकिन हमको वो नहीं रखना है, उनको मतलब उसमें लगे रहने देना है, हमको इस पावर सप्लाई में कम से कम 4700 UF के कैपेसिटर यूज़ करना है, कम से कम 4700। आप यहाँ पे और ज़्यादा करोगे यूज़ तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब अगर आपको बेस कम मिल रहा है, बेस मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसी के साथ में एक कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे, उन दोनों को प्लस प्लस और प्लस प्लस को जोड़ देना, माइनस माइनस को जोड़ देना है, और ऐसे ही लूप उन दोनों भी निकाल देना है और दोनों को इन दोनों को पैरेलल बना देना है। तो यहाँ से आपका जो पावर की जो वोल्टेज होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब सॉरी वोल्टेज नहीं बोल सकते उसको, लेकिन जो वेज जब आएगा ना तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कहने का मतलब ये है वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, करंट ड्रॉप नहीं होगा, जिसके वजह से आपका होम थिएटर में अच्छा वेज आने लगेगा और पंच भी अच्छा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक वीडियो थी वायरिंग डायग्राम की, कि बैटरी से कैसे चलाएं हम। ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी से कैसे चलाएं हम, तो ऐसे हम इस ऐसा डायग्राम, मतलब इस डायग्राम की मदद से आप
एक बैटरी को होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हैं और 12 वोल्ट को यकीन मानिए अच्छा वर्क करता है एक होम थिएटर। जो 20-30 आईसी वाला जो होम थिएटर होता है या 20-50 वाली आईसी का जो होता है होम थिएटर, वो आपका बड़े अच्छे से काम करेगा। आईसी नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20-30 TDA-20-30 होता है और एक आईसी होती है 20-50। तो ये दोनों ही जो आईसी होती हैं ये हमारी इस सर्किट के ऊपर वर्क करेंगे। कोई भी अदर पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि वो जो मॉड्यूल आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आपको उतना बजट नहीं है या उतने आप नहीं खर्च करना चाह रहे हो, तो एक सिंपल सा एक सर्किट बनाइए, दो कैपेसिटर लीजिए जो कि आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आपका होम आप छोटा मोटा काम करते हो घर पर, तो एक कैपेसिटर बड़े आराम से मिल जाते हैं, और जैसे नहीं मिल भी मिलते हैं 10-10 रुपये के कैपेसिटर आते हैं बच्चों। तो ये कैपेसिटर आप ला करके एक लगा सकते हो, आपकी नॉर्मल बैटरी से आप अपना होम थिएटर चला सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो थी होम थिएटर को बैटरी से कैसे चलाने के लिए।